शैफर की ये हांडी बेस है, तो ये मैं आप लगाऊंगी। कोई भी आपने फंक्शन अटेंड करना है ना, उसके लिए आप ये बेस बना सकते हैं। पूरा दिन नहीं, ये तीन दिन ये बेस कहीं नहीं जाती, बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट है। ये मेरी मॉडल ने आपको, ये मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है, ये देखे आप लोगों के सामने, और बस इसमें मैंने डालना है पानी और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं इस फेस पर आप लोगों को समर के लिए बेस बनाना बताऊंगी, जो कि आप लोग ईद पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आगे ईद आ रही है तो उसके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होनी है। तो आपको पता है कि गर्मी की वजह से बेस बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो आज मैं आपको ऐसी बेस बताऊंगी कि जिससे आप लोगों का चेहरा पूरा दिन फ्रेश रहेगा और पसीना भी नहीं आएगा। तो जादुई बेस होगी, तो जो मैं इसमें बेस यूज़ कर रही हूँ ना, वो बहुत ही कम प्राइस में है। तो दिखाती हूँ आपको बेस, ये मेरे पास बेस है, ये है जी एक शेफर की बेस, इसका जो शेड है वो एवरी है, और ये मेरे पास है शेफर की, ये भी है, अच्छे से देख लें आप, मोस है शेफर का, ये मैं इस्तेमाल करूंगी, और ये मैं पाउडर शेफर का इस्तेमाल करूंगी। तो इन दो चीज़ों से ही मैंने सिर्फ बेस बनानी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका रिज़ल्ट है। तो दिखाती हूँ आपको इस बेस का रिज़ल्ट। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और फुल वॉच करना, क्योंकि आज जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलें जी, बेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले क्लींजिंग कर रही हूँ, यहाँ पर पहले मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, क्लींजिंग अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद मैं बेस बनाऊंगी, ताकि जो दस्त है मिट्टी वगैरह क्लींजिंग करके इसको अच्छे से साफ कर देते हैं, इसके बाद बेस बनाना स्टार्ट कर। तो दिखा रही हूँ, ये मैंने माउस लिया है शेफर का, शेफर की ये हांडी बेस है, तो ये मैं आप लगाऊंगी। फेस पर ये मैं ले लूँगी थोड़ी सी इसकी अमाउंट, तो ये सारे फेस पर लगा दूंगी अच्छे से। पाक है इसको, मैं थोड़ा सा गीला कर लूँगी, ये देखो पाक को मैंने गीला कर लिया है, तो इससे आप मैं ये बेस जो है ना सेट करूँगी। बहुत ही कम ली है मैंने बेस, अभी जो है ना मैंने हांडी बेस लगाई है, तो माशाल्लाह देखें कितना आपको चेहरा जो है ना वो सॉफ्ट नज़र आएगा और स्किन में जज़ब हो गई है। ये वाली बेस देखें, बहुत ही करीब से आपको दिखा रही हूँ, तो अभी जो बेस है ना वो ऊपर लगानी है, तो ये आपको वाइट वाइट बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना वाइट है नहीं, कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ मैंने, कुछ नहीं किया, जो स्किन है वो ही आपको दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा अभी से शाइन आ गई है फेस पर, चले पाउडर वाली बेस बनाते हैं हम। तो यहाँ पे ये मैं थोड़ी सी बेस ले लेती हूँ, तो ये मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया है, ये देखे आप लोगों के सामने, और बस इसमें मैंने डालना है पानी, तो ये इतना मैंने पानी डाल दिया इसमें, और ये पानी भी देखे आप, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बेस बनाने का तरीका होना, तो कोई भी बेस हो वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, बस तरीका होना चाहिए। तो ये देखिए अब इसको मैंने रेडी कर लिया है, ये लगा रही हूँ ऊपर, देखो तो ये बहुत ज़्यादा हैवी बेस मैंने बना रही। वैसे ये बेस आप ब्राइडल की भी बना सकते हैं, वलीमे के लिए भी बना सकते हैं, पार्टी मेकअप के लिए भी बना सकते हैं, कोई भी आपने फंक्शन अटेंड करना है ना, उसके लिए आप ये बेस बना सकते हैं, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो इसको अब मैं टैप टैप करके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, ये देखें, तो बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगी और बहुत ही आसानी से ये बेस तैयार हो जाती है। और जो खवातीन घर में रहती हैं ना और घर में खुद ही तैयार होती हैं, वह खुद ये बेस बना सकती हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा उनको। पूरा दिन ये बेस कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये बेस जो है ना पाउडर बेस जादू बेस का काम करती है, और ये इसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं,
बहुत ही कम इसकी प्राइस है, तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर की है। तो देखे जो मेरी मॉडल है वो कह रही है कम लगाएं, ये उतारनी जो है ना बहुत मुश्किल होती है। तो इसको पता है, क्योंकि आपको पता है पहले भी मैं इसका मेकअप वगैरह करती रहती हूँ, तो इसको पता है कि ये वाली बेस जो है ना ये उतारनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कस्टमर। तो ये मैंने लिया है लूज पाउडर, लूज पाउडर, तो ये अब मैं लगाऊंगी। ये भी मेरे पास लूज पाउडर ही है, लेकिन ये वाला लूज पाउडर जो है ना ये बेस को लॉक कर देता है, इसलिए मैं ये लूज पाउडर लगा रही हूँ अच्छे से। या आप फेस पाउडर लगाएं इसके बाद, या लूज पाउडर लगाएं, तो इससे बेस जो है ना वो लॉक हो जाएगी। तो गर्मी है तो ये वाला जो फेस पाउडर है या लूज पाउडर है ये भर भर के आपको लगाना चाहिए। कंजूसी नहीं करनी चाहिए इसमें, कंजूसी से काम खराब हो जाता है। खुले दिल से करना। तो ये देखे जी माशाल्लाह बेस तैयार हो गई है। तो देखे मैं कितना करीब से आपको दिखा रही हूँ, कितनी ज्यादा शाइन आ रही है। तो बहुत ही ग्लॉसी बेस बनती है, देखे गर्दन भी और फेस भी इक्वल है, बराबर है, कोई दाग धब्बा नहीं। अगर आपके फेस पर मिठाइयों के लिए भी ये वाली बेस जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। तो आज पर अभी मैंने नहीं लगाई, वो आपको डिफरेंट नज़र आ रही है। तो बाकी मैंने अच्छे से लगा दी है, तो आज मेकअप आपके साथ शेयर करना है। लेकिन पहले मैंने आपके साथ ये बेस जो है इसका तरीका शेयर किया है, तो आप जो बकरा ईद आ रही है उस पर इस बेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरा दिन कहीं नहीं जाएगी, ये गारंटी है इसकी, 100% रिजल्ट है इसका ज़बरदस्त। पूरा दिन की ये त्रै दिन नहीं जाना, त्रै दिन नहीं सुना था आप लोगों ने, पूरा दिन नहीं, ये 3 दिन ये बेस कहीं नहीं जाती, बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट है। ये मेरी मॉडल ने आपको कहा है, मैंने उसको नहीं बोला कि आप इस तरह कहें, वो आपको बता रही है, क्योंकि पहले वो काम करवाती है, उसको पता है कि ये बेस कहीं नहीं जाती। और एक और मेरा कस्टमर बैठा हुआ है, आपको नजर आ रहा है फेस उसका, मैं नहीं दिखा सकती आपको, उसको भी पता है कि ये वाली बेस 3 दिन कहीं नहीं जाती। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, और आप ईद पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे, तो दुआओं में ज़रूर याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।